आइए आज हम लोग अगले प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। वैसे यह प्रीपोजिशन भी बहुत ही सिंपल है, सामान्य रूप से हम इसको यूज करते हैं, लेकिन कंपटीशन में कई अलग अलग क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आज हम लोग जिस प्रीपोजिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है अगेंस्ट। अगेंस्ट का यूज सामान्यतः विपरीत या अपोजिट के सेंस को दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन केवल अपोजिट का ही सेंस नहीं होता है, इसके अलावा भी इसको अलग अलग सेंसेस में हम लोग यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगेंस्ट का यूज कहाँ कहाँ पर हो सकता है। अगर हम लोग पहले पॉइंट को देखें तो पहले पॉइंट बताया गया है टू शो अपोजिशन और ऑब्जेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्शन या फिर किसी भी अपोजिशन को दिखाने के लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। यह अपोजिशन किसी व्यक्ति जैसे यहाँ देख रहे हैं फादर, या किसी विचार जैसे आप यहाँ पर आइडिया को देख रहे हैं के खिलाफ हो सकता है। केवल व्यक्ति या केवल विचार के खिलाफ नहीं, किसी के भी खिलाफ हो सकता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें जिसे बताया गया है टू शो द सेंस ऑफ बाय सपोर्ट ऑफ। बाय सपोर्ट ऑफ का सेंस होता है के सहारे। अगर हम इसका अगेंस्ट का दूसरा यूज देखें तो कभी कभी के सहारे के भी सेंस में इसका यूज होता है। के सहारे का जैसे किसी वस्तु के सहारे खड़े होना या अपने आप को संभालना, किस तरह से जैसे आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है अगेंस्ट ट्री, यहाँ पर ट्री के सहारे का सेंस होगा। अगेंस्ट वॉल, वॉल के सहारे का सेंस होगा। अगेंस्ट स्टिक, स्टिक के सहारे का सेंस होगा। अगेंस्ट क्लब, क्लब के सहारे का सेंस होगा। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल में चलें, खास तौर से यह डेटास के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि डेटास का कंपैरिजन किया जाए किसी भी सेंस में उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रेरी कंपैरिजन, विपरीत तुलना को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है 5 against 10, 12 etc. कोई भी डेटा आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो डेटा को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। आखिरी एग्जाम्पल जो कंपटीशन की नज़र से सबसे ज़्यादा अहम है, इम्पॉर्टेंट है, वो है टू शो क्योर ऑफ इलनेस विद मेडिसिन। मतलब किसी इलनेस या बीमारी के क्योर के लिए इलाज के सेंस में भी अगर मेडिसिन दिया गया हो तो हम वहाँ पर अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर दिया गया है जैसे इंजेक्शन का यूज़ करना, कैप्सूल का यूज करना, टैबलेट का यूज करना, कोई पाउडर का यूज करना, क्रीम का यूज करना, ऑइंटमेंट का यूज करना, इस तरह से तमाम चीजें होती हैं। अगर वो डिजीज, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डिजीज को नाम के साथ दिया जाएगा, नेम के साथ अगर यूज किया गया हो तो वहां पर यूज होने वाला प्रीपोजिशन अगेंस्ट होना चाहिए, कोई और प्रीपोजिशन सामान्यतः यूज नहीं किया जाता। ये चार तरह के जो अगेंस्ट के यूजर्स हैं इन्हें हम लोग क्लैरिफाई करते हैं, स्पष्ट करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए चलते हैं अगेंस्ट के लिए दिए गए एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो पहले एग्जाम्पल में है मोहित कैन स्टैंड इन ट्री फॉर शेल्टर। अगर सही ढंग से देखा जाए तो इन ट्री का कोई यूज नहीं होता, ट्री के साथ इनका कोई यूज यहाँ पर स्टैंड के कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर अगर करेक्ट करना चाहते हैं इनका यूज करना एरर है। हम ट्री के लिए अंडर का भी यूज कर सकते हैं जो नीचे के सेंस में होगा, और अगेंस्ट का भी यूज कर सकते हैं जो सहारे के सेंस में होगा। तो हम इनको रिमूव करके वहां पर अगेंस्ट या अंडर का यूज कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो रोहित विल नेवर गो Against his family and village. अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अगेंस्ट का यूज किया गया है वह अपोजिशन को दिखाने के लिए यूज किया गया है, और अपोजिशन में यहाँ पर फैमिली और विलेज है, तो इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगेंस्ट का यूज इस सेंटेंस में करेक्ट है। अगर हम अगले एग्जाम्पल में चलें, सम बॉयज पुट देयर लैडर On a high wall. अगर आप लैडर को देखें तो लैडर हम सीढ़ी को कहते हैं, और वॉल की बात किया जाए तो वॉल पर ऑन जैसे यूज यहाँ पर दिया गया है, वहां वॉल पर सीढ़ी को रखना नामुमकिन सा है।
इसलिए यहां पर के सहारे के सेंस में हम यूज करेंगे, ऑन का यूज करना यहां पर एरर होगा, के सहारे के लिए हम यहां अगेंस्ट का यूज करेंगे। इसी तरह से अगले एग्जांपल में अगर चलें तो अगला एग्जांपल है दीज गर्ल्स वर एनालाइजिंग द डेटा ऑफ मर्डर्स इन अलाहाबाद फॉर वारंट्स। अगर आप देखें तो यहां पर एनालाइज मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है, और वो है मर्डर्स का, मर्डर्स का जो डेटा है उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो नेचुरल है ऐसे कंपैरिजन इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में जो हो रहे हैं वो डेटा का कंपैरिजन है। इसकी वजह से फॉर का यूज करना यहाँ पर एरर होगा, फॉर को रिमूव करके इसकी जगह पर अगेंस्ट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर चले तो है द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड सम पाउडर ऑन सच इन्फेक्शन। अगर आप देखें तो यहाँ पर पाउडर का जिक्र किया गया है और ये इन्फेक्शन एक बीमारी दी गई। अगर आप देखें तो पाउडर जो है वो उस बीमारी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज किया जाएगा और इसके लिए ऑन का यूज नहीं होता है, ऑन का यूज करना एरर होगा। करेक्शन के लिए हम यहाँ पर अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं। और अगर हम आखिरी एग्जाम्पल पे चले द स्टूडेंट्स वर गिवेन इंजेक्शन विद फीवर एंड वॉमिटिंग लास्ट डे। अगर आप देखें तो यहाँ पर इंजेक्शंस की बात की गई है और यहाँ पर बीमारियां फीवर और वॉमिटिंग दी गई है, जिसका मतलब यह है कि इनके इलाज के लिए इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। और विद का यूज डिजीज के साथ होता है लेकिन इलाज के सेंस में नहीं, इसलिए विद का यूज करना यहाँ एरर होगा। क्योर के सेंस में फॉर और अगेंस्ट दो का ही यूज होता है, इसलिए क्योर के सेंस में यहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज कर रहे हैं, हालांकि हम अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था अगेंस्ट का यूज, जिसको हम लोगों ने अलग अलग तरह से समझा, एग्जाम्पल से एनालाइज किया। आज के लिए इतना ही, ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें और पढ़ते रहें। इंग्लिश किंगडम अलाहाबाद। थैंक यू वेरी मच।